What's your name? Durga Prasad. And you are from? Hyderabad. Hyderabad. What do you do? I'm into business. What kind of business you have? It's a printing related businesses. Printing related business. And you are from Hyderabad only? Right. Or just nearby Hyderabad? No. I'm from Hyderabad only purely. Okay. You come first time over here? No, this is second time. This is second time. First time you had come? First time what? I came for my daughter. In the last year, same month, September month. Last year, yes. Yeah. Now tell me about that. How do you feel about this ATS center? Absolutely fantastic. The diagnosis, whatever has been done by doctors previously, the same diagnosis done by Sahibji without any time taken. Within a short period, by just seeing the patient, he has diagnosed the actual problem, which is fantastic. And he has also explained how it was happened, why it was happened, and accordingly he has given the medicine to us. Sahib ji ne jo diagnose kiya hai, wo aapka kaise kiya hai? Unhone koi instrument ya kisi aur cheez se ya koi aapko या आपसे पूछ के या कोई पेपर देख के या कोई भी तरीके का आपका डॉक्टरी लैब टेस्ट या कोई भी जांच देख के किया है? एब्सोल्युटली नहीं. कल आंखों से देखकर पहचान लिए कि प्रॉब्लम क्या है. और जैसा एमआरआई स्कैन और सीटी स्कैन बनते हैं, उसी हिसाब से अपने हाथों से ड्रॉ करके एग्जैक्ट पॉइंट पे ये प्रॉब्लम है करके बता दिए. ना ही उसके लिए साहब जी ने ना ही कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, ना ही एक्सरे यूज़ किए, नथिंग, कुछ भी नहीं. एग्जैक्टली यहाँ पे कोई भी चीज़ जो होती है, डॉक्टर के लैब टेस्ट या कोई भी पेपर, वो नहीं देखे जाते हैं. हाँ. वो उन्हें देखते भी नहीं है. और अभी तो इन दिनों तो मरीज को ना छूते हैं ना कुछ, वो सामने बैठा देते हैं और उसके बाद वो पूरा डायग्नोस पूरा चार्ट बना देते हैं. आपका चार्ट है आपके पास? हाँ है. Can you show? Yeah. Yeah. ये चार्ट ए प्रिस्क्रिप्शन आज मैंने दिखवा लिया साहब जी के लिए. मैं एक डेढ़ महीने से बुखार से सफ़र हो रहा था. तो मैं बहुत वीक हो गया, मेरा हेल्थ बहुत डिटेरिएट हो गया था. तो साहब जी को बताने के लिए मैं खुद आ गया. और जैसा मेरे बेटी के लिए डायग्नोस किए वैसे स्टाइल से मुझे भी डायग्नोस हो गया. और एग्जैक्टली बता दिया मुझे क्या क्या हो गया था और उसका इलाज कैसा होने वाला है. क्या बताया उन्होंने इलाज के लिए आपको? ट्रीटमेंट उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया आपकी बीमारी का? वो कैसा हो गया बता दिया पहला, और बाद में कैसा करना है, उसको कैसा अवॉइड करना है. यू कैन पुट दिस डाउन. जैसा जो पहला मैं टैबलेट्स यूज़ कर रहा था, वो टैबलेट्स का साइड इफ़ेक्ट्स बता दिए जी, कैसा कैसा हो गया. और एडवाइस किए कि स्लोली वो टैबलेट्स बंद करो ना. और आयुर्वेदिक जो भी है. कितना टैबलेट्स आप लेते थे? दो टैबलेट लेते हैं. और क्या बताया था आप, जो डॉक्टर जिससे आपने डायग्नोस कराया था, उन्होंने आपको क्या बताया था? आज के दिन में? आज नहीं, पुराना जो आप डॉक्टर के पास अपने हैदराबाद में आपने जो डायग्नोसिस कराए थे जी, और उन्होंने क्या बीमारी बताई थी और आपको उन्होंने रूट कॉज क्या बताया था बीमारी का? रूट कॉज तो कुछ बताए नहीं थे, लेकिन वो आपको डायबिटिक सेटअप हो गया करके बताए थे. और 14-15 साल के नीचे की बात है ये. और जब से मैं वो टैबलेट्स यूज़ करना शुरू किया ना, आज साहब जी ने बताया कि वो टैबलेट्स यूज़ करने से आज के दिन में लिवर, लंग्स और पैंक्रियास, किडनीज पे उसका असर हो गया है. उसका असर होगा? हाँ. आप कितने टाइम से वो टैबलेट्स ले रहे हैं? करीब 14-15 साल से.
14-15 साल से आप टैबलेट ले रहे हैं, जी कभी आपने जानने की कोशिश की या आपके डॉक्टर से जानने की कोशिश की कि ये टैबलेट्स का असर या साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, या उन्होंने कभी आपको बताया हो? ये तो कभी बताया नहीं मुझे जी, क्योंकि वो बहुत बता रहे थे कि ये लाइफ लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर डायबिटीज, बिकॉज ऑफ योर डायबिटीज राइट, और साइड इफेक्ट्स तो नहीं बताया गया? साइड इफेक्ट्स नहीं बता, वैसे जनरली साइड इफेक्ट्स बताते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वो है ऑर्डर्स है कि कभी भी आप जो भी मरीज को है वो बताए जाए, साइड इफेक्ट्स भी बताए जाए और उसके सारे वो भी बताए जाए जो भी टैबलेट्स के इफेक्ट्स होते हैं। हमें नहीं बताया। आपने कभी जानने की कोशिश की अपने डॉक्टर से? नहीं। क्यों? बट मैं वॉकिंग करता हूँ अच्छा सा, और 2 महीने तक मैं अच्छा था फिट, लेकिन ये जो फीवर अटैक हो गया है, डेंगू नहीं बल्कि चिकनगुनिया, तो वहाँ से मेरा हेल्थ बहुत वीक हो गया। नाउ टेल मी, अब आप मुझे बताएं ATS सेंटर के बारे में और साहिब जी के बारे में कि ये कैसे डायग्नोस कर पाते हैं और इनके पास क्या है ऐसा? वेरी टिपिकल क्वेश्चन फॉर यू। इट्स अ मिरेकल, वी कैन से इट्स अ मिरेकल, और ये डिवाइन, आई फील इट्स अ डिवाइन नो स्ट्रेंथ व्हाट ही इज हैविंग, आई एम फीलिंग, बिकॉज एज सून एज ही सीज द पेशेंट, ही सीज द मरीज को देखते देखते कि बता देते कि ये प्रॉब्लम है आपको। And it's 100% or 200%? It's a 200%, I can say. Not only for myself, my daughter has been diagnosed and my other cousin's son has been diagnosed today itself. Okay. And accurately, it's 100% accurately, whatever has been seen in CT scan or MRI scan, the same has been reflected here by Sahib Ji. It's a wonderful and it's a miracle. I feel he is having some kind of a divine, strength, definitely. Thank you very much, and so, best of luck. Thank you so much. एक डेढ़ महीने से बुखार से सफर हो रहा था, तो मैं बहुत वीक हो गया, मेरा हेल्थ बहुत डिटेरिएट हो गया था, तो साहब जी को बताने के लिए मैं खुद आ गया, और जैसा मेरे बेटी के लिए डायग्नोस किए वैसे स्टाइल से मुझे भी डायग्नोस हो गया, और एग्जैक्टली बता दिया मुझे क्या क्या हो गया था और उसका इलाज कैसा होने वाला है। क्या बताया उन्होंने इलाज के लिए आपको? ट्रीटमेंट उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया आपकी बीमारी का? वो कैसा हो गया बता दिया पहला, और बाद में कैसा करना है, उसको कैसा अवॉइड करना है। You can put this down. जैसा जो पहला मैं टैबलेट्स यूज़ कर रहा था, वो टैबलेट्स का साइड इफेक्ट्स बता दिए जी, कैसा कैसा हो गया, और एडवाइस किए कि स्लोली वो टैबलेट्स बंद करो ना, और आयुर्वेदिक जो भी है। कितना टैबलेट्स आप लेते थे? 2 टैबलेट लेता था। 2 टैबलेट लेते हैं। और क्या बताया था आप जो डॉक्टर जिससे आपने डायग्नोस कराया था, उन्होंने आपको क्या बताया था? आज के दिन में? आज नहीं, पुराना। अच्छा, पुराना जो आप डॉक्टर के पास अपने हैदराबाद में आपने जो डायग्नोसिस कराए थे जी, और उन्होंने क्या बीमारी बताई थी, और आपको उन्होंने रूट कॉज क्या बताया था बीमारी का? रूट कॉज तो कुछ बताए नहीं थे, लेकिन वो आपको डायबिटिक सेटअप हो गया करके बताए थे, और 14-15 साल के नीचे की बात है ये, और जब से मैं वो टैबलेट्स यूज़ करना शुरू किया ना, आज साहब जी ने बताया कि वो टैबलेट्स यूज़ करने से आज के दिन में लिवर, लंग्स और पैंक्रियाट्स, किडनीज पे उसका असर हो गया है। उसका असर होगा? हाँ। आप कितने टाइम से वो टैबलेट्स ले रहे हैं? करीब 14-15 साल से। 14-15 साल से आप टैबलेट ले रहे हैं जी। कभी आपने जानने की कोशिश की या आपके डॉक्टर से जानने की कोशिश की कि ये टैबलेट्स का असर या साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, या उन्होंने कभी आपको बताया हो? ये तो कभी बताया नहीं मुझे जी, क्योंकि वो बहुत बता रहे थे कि ये लाइफ लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर डायबिटीज, बिकॉज ऑफ योर डायबिटीज राइट, और साइड इफेक्ट्स तो नहीं बताया गया? साइड इफेक्ट्स नहीं बता, वैसे जनरली साइड इफेक्ट्स बताते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से
वो है, ऑर्डर्स है कि कभी भी आप जो भी मरीज को है वो बताए जाएं, साइड इफेक्ट्स भी बताए जाएं और उसके सारे वो भी बताए जाएं जो भी टैबलेट्स के बताया, इफेक्ट्स होते हैं। हमें नहीं बताया, आपने कभी जानने की कोशिश की, कोशिश की अपने डॉक्टर से? नहीं। क्यों? बट मैं वॉकिंग करता हूँ अच्छा सा, और 2 महीने तक मैं अच्छा था फिर, लेकिन ये जो फीवर अटैक हो गया है, डेंगू, डेंगू नहीं बल्कि चिकनगुनिया, तो वहाँ से मेरा हेल्थ बहुत वीक हो गया। नाउ टेल मी, अब आप मुझे बताएं ATS सेंटर के बारे में और साहिब जी के बारे में कि ये कैसे डायग्नोस कर पाते हैं और इनके पास क्या है ऐसा। वेरी टिपिकल क्वेश्चन फॉर यू। इट्स अ मिरेकल, वी कैन से इट्स अ मिरेकल, और ये डिवाइन, आई फील इट्स अ डिवाइन यू नो स्ट्रेंथ व्हाट ही इज हैविंग, आई एम फीलिंग, बिकॉज एज सून एज ही सीज द पेशेंट, मरीज को देखते देखते कि बता देते कि ये प्रॉब्लम है आपको। एंड इट्स 100% और 200%? इट्स 200% आई कैन से, नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ, माई डॉटर हैज बीन डायग्नोज एंड माई अदर कजिन्स सन हैज बीन डायग्नोज टूडे इटसेल्फ। ओके। एंड एक्यूरेटली, इट्स 100% एक्यूरेटली वॉट एवर हैज बीन सीन इन CT स्कैन और MRI स्कैन, the same has been reflected here by Sahib ji. It's a wonderful and it's a miracle. I feel he is having some kind of a divine strength, definitely. Thank you very much and best of luck. Thank you so much.